आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीड मेट कैश ऐप से। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो यहाँ पे बीड मेट कैश ऐप से रिचार्ज कैसे कर पाएंगे। अगर आपके पास एयरटेल का सिम कार्ड हो फिर भी आप रिचार्ज कर पाएंगे, अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड हो फिर भी आप रिचार्ज कर पाएंगे। और मैं आज के इस वीडियो में बीड मेट कैश ऐप से रिचार्ज करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जिससे कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल रिचार्ज को जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप भी यहाँ पे बीड मेट कैश ऐप यूज करते हैं, आपके भी वॉलेट में पैसे हैं और आप जो है उस पैसे को आप रिचार्ज में गए यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो आप रिचार्ज कैसे करेंगे, मैं अभी आपको इस वीडियो में रिचार्ज में आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। रिचार्ज करने का पूरा प्रोसेस होगा, तो अगर आपको भी यहाँ पे देखना है कि रिचार्ज कैसे होता है बीड मेट कैश ऐप से, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गए यहाँ पे देख लीजिए, मैंने गए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बीड मेट कैश ऐप को ओपन कर लिया है। और यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास गए यहाँ पे 166 रुपये का बैलेंस है। सबसे पहले गए मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आपको विड्रो वाला सेक्शन दिखेगा, सिंपल इसमें आपको जाना है। जैसे आप इसमें आएंगे, इसमें जाने के बाद यहीं पे आपको पहला वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ़ोन बिल आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है कि आपको गाइस यहाँ पे ऑपरेटर गाइस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे आपका कौन सा कंपनी का सिम है। यहीं पर आप गाइस यहाँ पे अगर आपके पास एयरटेल का सिम कार्ड है तो आप यहाँ पे एयरटेल को सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है तो आप गाइस यहाँ पे जियो सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास VI का सिम है तो VI सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो गाइस यहाँ पे अगर आपके पास BSNL का सिम है तो आप गाइस यहाँ पे BSNL को यूज करेंगे। उसके बाद सिंपल जैसे मैं मेरे पास गए यहाँ पे जियो का सिम कार्ड है तो मैंने गए यहाँ पे जियो को मैंने गए यहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद सिंपल गए यहाँ पे आपको जो अपना मोबाइल नंबर को डालना, तो मैं गए यहाँ पे सिंपल जो हूँ मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर को मैंने डाल दिया। यहाँ पे आप गए मिनिमम 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, तो मैं गए यहाँ पे 100 रुपये मैं गए यहाँ पे रिचार्ज करने वाला हूँ। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे प्लीज फिल द मोबाइल फोन गेज यहाँ पे नंबर एंड गेज यहाँ पे ऑपरेटर गेज। मैंने यहाँ पे नंबर तो मैंने गेज यहाँ पे डाल दिया, लेकिन गेज यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ पे मैंने मुझे गेज यहाँ पे ऑपरेटर चूज करने को बोल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एयरटेल करता हूँ यहाँ पे नहीं बोल रहा गेज यहाँ पे। अब मैं गेज यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल गेज मैं यहाँ पे जो नंबर को मैं गेज यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे मैंने गेज यहाँ पे डाल दिया और मैं गेज यहाँ पे नंबर को मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर, उसके मैं गेज यहाँ पे जियो करता हूँ मैं यहाँ पे सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं गेज यहाँ पे 100 रुपये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने गेज यहाँ पे अपना नंबर को डाल दिया, नंबर डालने के बाद मैं गेज यहाँ पे 100 रुपये का मैंने गेज यहाँ पे चूज कर लिया। सिंपल आपको नीचे में विड्रो वाला सेक्शन दिखेगा, सिंपल गेज आपको यहाँ पे विड्रो के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप नंबर को एक बार चेक कर लेंगे, उसके सिंपल आपको सबमिट करना है। जैसे गए आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे गए आपका लिखा के आ चुका गए यहाँ पे सबमिट सक्सेसफुल, और नीचे में गए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्लीज वेट 3 से 5 वर्किंग डे। यानी गए यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि आपका रिचार्ज सक्सेसफुल होने में 3 से 5 दिन का गए यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि गए यहाँ पे इसमें आपको 3 से 5 दिन का समय नहीं लगता, 20 गेज यहाँ पे बस जो है आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1 से 2 घंटा का गेज यहाँ पे टाइम लगता है। तो गेज यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गेज यहाँ पे जो है मैंने आपको बीड मेट कैश ऐप से रिचार्ज कैसे करना है, मैंने आपको रिचार्ज करने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।